Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. आज तो बड़ा चिल गोजा लग रहा है तू। अब मुझे कभी-कभी आपके कॉम्प्लीमेंट समझ नहीं आते कि आप इज्जत दे रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो। I mean अच्छा लग रहा हो ना? तनाटन। Yeah thanks, thanks bro. पाजी दिवाली आने वाली है और इस बार की जो दिवाली है वो थोड़ी वैसे ही स्पेशल है। पटाखे फूटेंगे? पटाखे तो फूट ही रहे हैं पाजी। लेकिन ये दिवाली बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस दिवाली पे हमारे मोहल्ले में जो मेहमान आ रही हैं ये पाजी ऐसी बला की खूबसूरत है कि ये नॉर्मल दिन पे भी आए ना दिवाली लगती है, ये मंडे को आ जाए लगता संडे है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और पूरा विश्व इस बात पे ठप्पा लगा चुका है कि उनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल मिसेज ऐश्वर्या राय बच्चन। तू शरारत से बाज नहीं आएगा? किस शरारत से? मौका नहीं छोड़ते। मौका नहीं छोड़ते। शरारत? भूल जा शरारत। अब तारीफ करने का समय। मासूम है, मासूम, innocent। It's all nice। दिवाली की आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आया है, इससे बेस्ट दिवाली मैंने देखी नहीं आज तक। कमल सी कोमल है वो, अच्छा। हर पंखुड़ी जैसे गुलाब है। उसकी बातों में है गजल, वो किसी शायर का ख्वाब है। ये अदाएं ये शोखियां मोह लेती हैं दिलों को, लफ्स लफ्स महकता है जिसका आप हुस्न की वो किताब है। हुस्न की किताब है। हाँ। आपके पन्ने फाड़े की भाभी जाके बड़े शेर आते हैं आपको। मैं किसी से गले मिलूं तो शरारत से बाज नहीं आएगा। हाँ। खुद जो आपके इतने छह छह लाइनों के लंबे शेर आते हैं उसका कोई ख्याल नहीं, मतलब चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अंदाज अंदाज की बात है। एक बार जोरदार ताली ऐश्वर्या जी के लिए। अच्छा मुझे इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। क्या? जब भी आती है अकेली आती है, जूनियर बच्चन साथ नहीं होते, सामने वाले के कंफर्ट लेवल का ध्यान रखती है। फिर आप भी ध्यान रखते हैं ना अगली बार। आई लाइक योर स्पिरिट। हाँ जी। पाजी ऐ दिल है मुश्किल एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है, जैसे हमारे लिए बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भी ऐश्वर्या आती है कि इनसे बातें करें कि इनको देखते रहे क्या करें। आई मीन अच्छा ये सुन के आप तो बोर हो गई होंगी लेकिन एक्चुअली ये सच्चा है, हमें समझ नहीं आता एक्चुअली भाजी, क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए तो यही होता है कि साल में एक आध बार, पूरी जिंदगी में एक आध बार विश्व सुंदरी को करीब से देखने का मौका मिलता है। गरीब? I mean, ये आप देखो कितना ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है हर बात में, इसकी पैराडॉक्स होता है। 12 करोड़ का टैक्स देता है एक साल का और ये गरीब है। और ये गरीब है, टैक्स देना चाहिए भाई, देश की तरक्की के लिए जरूरी है। पर आपने 3 कम बताया, 15 दिया था। ऐश्वर्या आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होके इस सोफा को और महंगा कर दीजिए। पाजी ऐ दिल है मुश्किल का मैंने ट्रेलर देखा, ऐश आप उसमें बला की खूबसूरत लग रही है, आपको हमेशा लोग कहते होंगे, मैंने इतनी बार देखा ना आपका ट्रेलर मेरा इंटरनेट पैक खत्म हो गया। अच्छा पाजी लड़के तो लड़के, लड़कियां भी ऐश्वर्या की इतनी दीवानी है। हाँ। अभी तो प्रीति जेंडर ने सोशल नेटवर्किंग पे शरेआम डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ऐश्वर्या पे क्रश हो गया। हाँ? प्रीति मेरी बहुत करीब की दोस्त है, शी इज वेरी वेरी डियर टू मी, तो मतलब शायद थोड़ी बहुत मस्ती है। अभिषेक गेट जेलस दैट गर्ल्स आर आल्सो क्रशिंग ऑन यू प्लीज। अब जैसे सिद्धू साहब तो आपके करीबी फ्रेंड नहीं है, ही हैज आल्सो क्रश ऑन यू। ओए मैं तपम मत, नहीं आप ही ने तो कहा था बोल देना। तू क्या बोले जा रहा, तू मेरे को कह रहे थे मैं मुकर जाऊंगा, ऐसे कहूंगा कि नहीं नहीं तू बोल देना। अच्छा पाजी ऐश्वर्या की जब भी कोई फिल्म आती ना लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं, क्या लग रही है ऐश। अच्छा ये कोई नहीं बोलता कि जो उन्होंने एक्टिंग में जान डाली है। अभी क्या करूं मैं तो कहती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स उनको दो जो मतलब इतने घंटे से मुझे तैयार करते हैं, जैसे कि मिक्की जी जिन्होंने मेरा मेकअप किया हो। अच्छा। आज बियंका जी ने मेरा बाल किया है, शी सैट एंड ब्लो यू नो स्टाइल माय हेयर,
the costume designers in Ae Dil Hai Mushkil. There's Manish who's done the clothes. Mere DOPs, credit to sabko jata aur usse bhi pehle. Achha. मेरे माता पिता को कि उन्होंने मतलब शादी की और... बहुत अच्छी बात है अच्छा सुपरस्टार होता ना कि 15 बंदे की नादी तैयार होने में हमारे खुद ही नहा धो के बनियान झाड़ के पहन ली अच्छा ऐश्वर्या जी का सारा यहाँ पे टीम यहीं पे है अच्छा मिक्की जी जिन्होंने जो तैयार करते हैं ये मिक्की जी है अच्छा मिक्की जी सीरियसली एक बात बताइएगा जब आप विश्व की सबसे खूबसूरत महिला के साथ होते हैं इनको तैयार होने की जरूरत नहीं वैसे जी पर ये आपको क्रेडिट देती हैं तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा होता है सच्ची सच्ची बता रहा आज फर्स्ट टाइम है आपने कभी शायद बोला भी ना हो दिल की बात आज जो दिल में है बता दीजिए आप लड्डू फूट रहे होते हैं सच कह रहा हूँ आपसे सबसे पहली बात ये कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा तो वैसे ही मेरे बाल नहीं है और जो चार बज गए वो भी हर रोज थोड़े थोड़े गिर रहे हैं बिकॉज आई एम वर्किंग विद हर रेगुलरली राइट बट जितनी ये खूबसूरत बाहर से है उतनी खूबसूरत अंदर से भी है जी. तो बहुत सालों से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ अभी सो इट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी लाइक अ फैमिली थिंग सो वी हैव ग्रोन टुगेदर आई लव यू आई लव यू थैंक यू चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे इनका प्यार है सच में अच्छा आपकी फैमिली में भी तो लेडीज होती होंगी जो कहती होंगी ऐश्वर्या को बड़ा तैयार करते हमें भी कभी खबर ऐसा आता नहीं आपको डिमांड ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है ऐश्वर्या का सर हम तो बैठ के ऐसे बातें बातें करते हैं क्या इनका इंटरव्यू क्या करें तो भगवान ने इंटरव्यू करके पास करके भेजा है 200 out of 100 बिल्कुल शुक्रिया मिक्की जी शो में आने के लिए थैंक यू इनकी हेयर स्टाइलिस्ट भी यहाँ पे हैं मैं उनसे भी मुखातिब होना चाहूंगा शी डजंट स्पीक हिंदी सो यू हैव टू आस्क हर आई कैन स्पीक इंग्लिश क्या नाम है इनका बियांका बियांका यू आर फ्रॉम वेयर आई एम नाउ फ्रॉम बांद्रा You are from Bandra. Yeah. I like Bandra. अच्छा बांद्रा वैसे तो हमारे बांद्रा बोलते थे ना बांद्रा जा रहे हैं हम लोग बांद्रा भी फॉरेन कंट्री लगता है बट ओरिजिनली वेयर आर यू फ्रॉम आई जस्ट वांट टू नो आई एम जस्ट क्यूरियस बेग केप टाउन केप टाउन यस थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर शो यस इट्स अ प्लेजर कीप स्माइलिंग एंड जस्ट सेंड मी योर नंबर ओके देखा सिद्धू जी यहाँ पर बहुत चार्मिंग है नहीं, बहुत मैं चार्मिंग। कभी नहीं मैं हमारे शो की जो हैं औरतें एक तो असली नहीं है मैंने कहा हो सकता है कभी उनका स्टाइल करवा लें इनसे वो भी खूबसूरत लगे थैंक्स फॉर कमिंग कीप मीटिंग मी अच्छा इस फिल्म में और किसी की हो ना हो रणबीर की ऐश है आई मीन सच्ची में भी ऐश है और फिल्म में भी उनकी हीरोइन ऐश है और अनुष्का भी उनके साथ मतलब सच्ची में उसकी ऐश है पर ऐश उसमें एक डायलॉग बोलती हैं कि मैं किसी की जरूरत नहीं किसी की ख्वाहिश बनना चाहती हूं oh. आपको किसी ने बताया नहीं आप करोड़ों लोगों की ख्वाहिश हैं ऑलरेडी अच्छा कभी ऐसा हुआ ऐश्वर्या ऐसे ही मैं जस्ट ऐसा मत सोचना कि बच्चों वाली बातें कर रहा है पर कभी अच्छा? आदमी घर में घूमता है जब ऐसे घूमते घूमते एकदम से आईने में नजर पड़े तो आपको कभी शौक लगा ओह माय गॉड ऐश्वर्या राय ऐसे क्या कह रहे आप नहीं पर वैसे ही पूछ लिया मैंने अच्छा भाजी पूरी दुनिया में किससे भी पूछ लो कहीं पे भी सर्वे करवा लो 100 लोगों का सपोज अगर आप पूछ रहे हैं 80 उसमें से कहेंगे कि ऐश्वर्या सबसे खूबसूरत है दुनिया की 20% लोग डर के मारे अपनी बीवी का नाम ले लेते हैं पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको दुनिया में सबसे हैंडसम आदमी कौन लगता है आई एम मैरिड हिम Yes, bro. Abhishek, I love you, man. Actually, I like him. I love him. Yeah. वो बहुत witty है हमारे शो में जब भी आते हैं. I love him more, but yeah. Sure. हम जितना मर्जी प्यार करें, उनके बच्चों की माँ तो आप ही बनेंगे. अच्छा, आपकी शादी में जब आपको गिफ्ट मिले, तो कोई ऐसा गिफ्ट आपको देख के लगा कि ये मुझे कौन देगा और क्यों देगा कोई ऐसा गिफ्ट मिला आपको नहीं आप खुद हंस रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं इस सवाल का जवाब मैंने भेजा था एक उस समय मेरी माली हालत ज्यादा ठीक नहीं थी मैंने कार्ड भेजा था एक्चुअली मैं सीरियसली भेजा था अच्छा बच्चन साहब के बंगलों पे क्या मैंने लिख दिया ऐसे ही कि टू श्री अमिताभ बच्चन जी और 4 ऐश्वर्या जी हाँ, क्या था तो बच्चन साहब के घर सबको पता है वो दे पता नहीं कार्ड दे के हैं मैं लिखा था 1 glass water 1 glass beer हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय डियर ऐसे लिखा था एक्सप्रेशन आज मिला आपको
मेरा कार्ड मतलब पहुंचा नहीं. मैंने एक गैलरी से जाके लिया था स्पेशली, हमारे शहर में है. मुझे आज भी याद है, 25 रुपए का था. आपको याद जरूर है. 25 रुपए का था, 7 रुपए कुरियर के लगे थे. हिसाब रख रही हूँ जी, याद रखूंगी. नहीं, अब तो मैं 100-150 तक भी कार्ड खरीद सकता. ठीक ना? वैसे रोज सुबह उनको ट्विटर पे हेलो तो बोल देती हूँ, जवाब नहीं देते कभी. हेलो ऐश्वर्या, हो ही नहीं सकता. हेलो माय सेल्फ टीचर, माय गॉड आप कितनी ब्यूटीफुल है. आप ही इज वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा कि आपने बता दिया ना, पता ही नहीं चलता. और ये सब क्या है नानी, तुमने भी करवा चौथ रखा क्या? क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है मोया? वैसे एक बार तेरे नाना के लिए व्रत रखा था मैंने, 3 दिन बाद जाके तोड़ा था. 3 दिन बाद आया था नाना घर? वो कहाँ आए थे? पूछताछ के बाद पता चला कि वो जेल में. बस जेल के सलाह को कोई छलनी समझकर बीच बीच में से देखकर व्रत तोड़ा था मैंने. माय गॉड, माय गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फैमिली. दिस फैमिली इज अ फैमिली हिस्ट्री और मिस्ट्री. एनीवेज, कपूर शर्मा, फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है. यस यस, कमिंग इज अ गेस्ट, ही इज वेरी बेस्ट एंड वंस आई स्पेंड सम टाइम आई विल टेक रेस्ट. अब क्या बोलती रहती हैं आप, कुछ भी. ओहो, आप टीचरों के ऐसे काम करती, शर्म नहीं आती आपको? तो क्या ऐसे काम होकर टीचर करूं? व्हाट डू यू मीन? लिसन, I am a beauty and right now I am on duty. आपकी नानी मुझे यहाँ पर background music देने के लिए लाई. हाँ, पता है कपूर. एक मिनट. पता नहीं किस. Yes, yes. या, आज हमारे घर में वो आने वाला है जो तौलिये में डांस कर रहा है. में कितने बार मेरे दिए का तेल खत्म हो गया. हर घर मैंने इलेक्ट्रॉनिक वाला दिया खरीद लिया. 25 में दो. चलो तेरी आरती उतारती हूँ. एक मिनट, शंख बजाने दो मुझे. हाँ. दाहिना पैर रख इसमें, उसके बाद अंदर जाना. ये क्या, इस पे तो ऑलरेडी निशाना किसी के. हाँ तो रणबीर पहली बार आया ना हमारे यहाँ, बाकी सब आते रहते. ये देख, ये पहचाना किसका है? नहीं. अरे अपना फ्रेंडली नेबर हूँ अक्षय कुमार. हफ्ते में 3-4 बार तो आता ही रहता है. क्या जीजू फंस गए? उसकी शादी थोड़ी हो रही है. अरे तो क्या जूते लेने के लिए शादी करवाए हैं? उसकी वेट करें आप. जूते तो तब निकलेंगे, पहले आप पैसे देंगे. हाँ. कोई पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो वसूलने के और भी तरीके आते हैं हमें. यस. बहुत भारी पड़ेगा रणबीर. क्यों और तो आई डोंट माइंड.
तरह से आप क्या हैंडसम लग रहे हैं बॉस. आइए रणबीर पाजी. हाँ जी. ऐश्वर्या आई तो उनके लिए शेर, उनके लिए दोहा भी नहीं कोई. आना चाहिए कुछ तो. दिल से प्यार करता हूँ मैं, ऐसी मैं वही तो. आप तो फैन हैं इनके. हाँ आपके फेवरेट भी हैं. और पाजी दिल की बात दिल जानता है. क्या बात. आसमां अधूरा है जिसके बिना तू वो चमकता सितारा है. अपने दमदार अभिनय से हर बार फिल्मों को संवारा है. लड़कियों ने दिल में लगा रखी है तस्वीर तेरी चाहत की. ये नटखट नौजवान बॉलीवुड का सबसे हैंडसम कंवारा है. और मैं इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं. मुझे दिखाई नहीं दे रही, पीछे लड़की बैठी है. अच्छा तो वो पता क्या कह रही थी. He's so cute. I wish I could hug him. पहली बात. फिर पीछे फिर उसकी विश आंसर हुई. फिर बोल रही थी तो पूछ लेना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं. I wish he's wearing black or navy blue. I love him in black. बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी. ये बोल रही थी. मेरी बात सुनो. गुड़िया क्या नाम है आपका. हरीज. हरीज एक बात बताओ, हमारे शो में कब से आके आप बैठी हुई हो. उनका ब्लैक मैंने क्या भरते कलर का पहना. मैंने बैंगनी कलर पहना हुआ है. नहीं मेरा क्या ऑरेंज कलर है. मेरा ब्लैक नहीं है. मैंने खास तौर पे बनाया. मुझे पता था रणबीर आएगा फिर सब डोमिनेट हो जाएगा. जेलसी. एक्चुअली ही इज हैंडसम मैन. और क्या. लेकिन उसको अरीज को अपनी रीज पूरी कर लेंगे यार. रणबीर वी लव यू. जा जीले अपनी जिंदगी. मेरे को खाली हाथ ही. ये मांग के लिया तो क्या लिया. तो भिखारी को भी मिल जाता है. सब पता है मुझे. जितनी स्पीड वहां भाग के आई ना मेरे टाइम पे. रणबीर को इतनी तेज भाग के मेरे को आ कहती है. God bless you. देखा ये होती है. आप मिले सो दूध बराबर. जो आप मिले. आप मिले सो दूध बराबर. मांग मिले सो पानी. कहत कबीर सो रक्त बराबर. जो मिले खींचा तानी. तू खींचा तानी करता. बाकियों के लिए शेर. मेरे बार में कबीर जी का दोहा. मेरी आप ही नहीं मेरी इज्जत कर रहे तो बाकी क्या करेंगे. आई लव यू. ऐसे थैंक यू. आई लव यू. इतिहास में तुझ जैसा हंसाने वाला ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा. थैंक्स ब्रो. रणबीर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं. माशाल्लाह मैं भी बहुत सेम लग रहे हैं. थैंक्स. मैं यही उम्मीद कर रहा था कि मैं आपकी तारीफ करूं तो बदले में आप भी थोड़ी करें. थैंक यू. अजय आपको पता है जब रणबीर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे तो इनकी पहली फिल्म थी आप लौट चले. तो उसमें हीरोइन ऐश्वर्या राय थी. उस समय आपने कभी सोचा था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा. आई मीन सॉरी आपको ऐश्वर्या के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा. सॉरी गलत हो गया. मतलब आपने सोचा था कि आपको ऐश्वर्या के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा. कपिल भाई आई थिंक जब हम आप लौट चले के सेट पे मिले थे तो तब से वो ख्वाहिश आरजू सपना हकीकत. अच्छा. वो सब शुरू हो गया था. बट पहले ही दिन यू नो द वे शी इज यू ऑल ऑफ कोर्स आप ऐश्वर्या राय दी ऐश्वर्या राय को जानते हो. यू नो कि ये ऐसी है कमाल की एक्ट्रेस है स्टार है लेजेंड है. बट पहले ही दिन यू नो शी बिफ्रेंडेड मी सो वेल. मेरी दोस्त बन गई. जैसे मैं एक बच्चा था. नॉट बच्चा आई वाज लाइक 14-15 इयर्स ओल्ड. तो सब मुझे बच्चे की जैसे ट्रीट कर रहे थे. अच्छा. बट ऐश मेड श्योर कि शी ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल. अच्छा. यू नो आई विश के जो आप लौट चले और हमारा ए दिल है मुश्किल तक जो जर्नी है जी वी डिडंट कीप इन टच. हम मिलते थे कभी कभी यू नो फैमिली फंक्शंस फिल्मी फंक्शंस. बट आई रियली बिलीव कि अगर ऐश और मेरी और मुलाकात होती जी तो वी वुड हैव रियली बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स क्योंकि आई हैव दैट कनेक्ट विद हर. अरे ग्रेट. इतना इनोसेंट फ्लर्ट है ना. कब करके निकल जाता है कानो कान खबर नहीं होती.
I like your attitude, man. अच्छा रणबीर, आपने बहुत सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, लेकिन उस एक्ट्रेस के साथ काम करना, स्पेशली ऐश्वर्या जी के साथ, जिनके आप शुरू से फैन हो, कोई स्पेशल फीलिंग होती है उस समय? मतलब जब रोमांटिक सीन होते हैं तो दिल से निकलते हैं वो, क्योंकि जस्ट एज ए एक्टर आपको दिए गए? दिल और कई जगह से निकलते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप पूछे सवाल और जवाब भी ये दे रहे हैं, द फर्स्ट जब ऐश का पहला दिन था आए दिल है मुश्किल फिल्म में, तो मेरी तो हवा टाइट हो गई थी द मोमेंट जब वो आई सेट पे और मैं मॉनिटर के पीछे था एंड वो कैमरा के ऐसे आगे आई जैसे कुछ यू नो तारे टूट के जमीन पे आ गए थे. मतलब क्या बात है, पूरा जो पूरा सेट का माहौल ही बदल गया था. और क्या था कि हमने कुछ 30 दिन पहले शूट कर लिया था मैंने और अनुष्का ने जी, एंड सडनली जब ऐश आई तो मैं और अनुष्का असिस्टेंट हो गए. सडनली सब जो भी असिस्टेंट्स है, कैमरामैन है, करण है, सब ऐश 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 ऐश. तो मैं और अनुष्का हमेशा कोने में कुर्सी में बैठ के बोलते थे हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा. ऐसा ही हुआ था. नहीं नहीं, एक्चुअली दिल से बोल रहा रणबीर, मैं गवाह हूं इस चीज का. मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं कि जब से ये आपका फैन है, मैं दिखाएंगे जरा यहाँ पे. ओह गॉड, ये देखिए. वो सनसेट हाइट्स, सीसाइड हाइट्स, एक और बड़ी पिक्चर है. 10 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आफ्टर पार्टी बाय द वे, इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी. अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे पास. इसका मतलब है ड्रीम बिग ड्रीम्स कम ट्रू. नहीं वो तो चलो ठीक है, ये आप कैमरा की तरफ क्यों नहीं देख रहे आप? ये पर ये बात सच्ची है, आप सपने देखो, आपके सपने सच्चे हैं, लगन सच्ची है, भगवान जो है आपके सपने सच करता है. वो तस्वीर देखते ही यादें ताजी होते हैं. रणबीर पास्ट इज 10 स्टैंडर्ड एंड we got the results. 54.3%. And at that time, aaj tak, until we did Ae Dil Hai Mushkil, I didn't know this percentage. Okay, to mujhe isne kaha tha ki 65.4%. Upari best of 5 hota hai na, sab subject lete hi. Inki dadi, Krishna aunty, was so excited. मतलब भारे मुझे मुझे बहुत बड़ा पार्टी देना है, डिनर देना है सबको, और पूरी सेलिब्रेशन हो रही थी और हम दोनों हंस रहे थे साइड में सबको देखते हुए, और ये कह रहा था कि इतने में ही इतना खुश है सबके साथ. अच्छा, खूबसूरत लोगों की यादें भी कितनी खूबसूरत होती ना, कि ये पिक्चर वहां की थी कहीं तो फॉरेन कंट्री में, सारी खूबसूरत बातें हमारी कैसी थी ना, याद है शादी में गए थे आपने ज्यादा पी ली थी. आपको उल्टियां हुई थी, फिर डॉक्टर बुलाया था. रणबीर की इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, स्पेशली लड़कियों में, आज भी सुबह से वेट कर रही है आपको. ऐ दिल है मुश्किल की जब शूटिंग हो रही थी, इनको किसी के लिए वेट करना पड़ा था, जिनके शायद ये फैन है, वो उनका नाम एक साइड में बहुत नजदीक है, ये बड़ा अजीनोमोटो जैसा नाम है. What is this? It is a human being or some product? It's a human being. अच्छा. Who has film products? अच्छा. His name Quentin. Quentin. Quentin Tarantino. हाँ, same. Yeah. बड़ी बढ़ाइयाँ आता तू अंग्रेजी की. अच्छा, नाम जब रखा होगा तभी आइडिया लग ही गया होगा उनको कि बहुत बड़ा नाम बनने वाला है. हॉलीवुड के डायरेक्टर है तो बड़े नाम भी इतने अच्छे हैं. ऐश्वर्या राय, तो तभी ऐश्वर्या राय बनी ना वो, रणबीर कपूर स्टार. हमारे नाम रखते थे बबलू गुड्डू, फिर बोलते बड़े होके कुछ कर नहीं पाए. क्या करें, गुड्डू नाम का कभी आपने प्राइम मिनिस्टर सुना है? कभी आपने एक्चुअली मुझे लगता है हमारे इधर तो नाम हो ही नहीं सकता ना, हमारी माए बुलाने बंद कर देंगी, इतना लंबा नाम को इधर आना. अच्छा, हमारे गांव में कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए ना तो टीचर तो रिजाइन ही कर दे कि सर हमें रिजाइन करना है, क्यों हमें अटेंडेंस में कुंट्रीनो करना पड़ता है. तो फाइनली इट्स क्विंटन ट्रिनो. तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि ये नाम जो है ये एक्सपर्ट्स की देखरेख में किया गया, इसको घर पे ट्राई ना करें.
बड़ा मजा आता है. बोल के देखो भाजी, सीरियसली बोल के देखो. रणबीर, कैन यू प्लीज टीच हिम? क्विंटिन टैरेंटिनो. क्विंटिन टैरेंटिनो. टैरेंटिनो. क्विंटिन टैरेंटिनो. ओके, वन चॉकलेट विद कैपुचिनो. रणबीर के साथ ऐसे बड़े मजेदार किस्से होते, बताओ भाजी. अभी कहीं पे तो ये थे, किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस को पता नहीं था कि ये रणबीर कपूर है. उन्होंने आपको बोल दिया गेट लॉस्ट ऐसे. ये कहाँ हुआ था, ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली कपिल भाई मेरे साथ बहुत होता है. अच्छा, तो क्या था, जब क्विंटिन हम अपना अपना पर्सनल नाम रखते हैं सोनू. जब आप सोनू से आप मिले, हाँ तो ये एक्चुअली ये क्विंटिन टैरेंटिनो अगर इंडिया में होते तो यही नाम होता उनका, सोनू. तो जब आप सोनू से मिले, तो जब हम शूटिंग कर रहे थे तो सोनू कोई इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे पता चला कि सोनू यहाँ है, फिल्म की प्रमोशन कर रहा है. अच्छा. तो मैं भाग के गया कैमरा के साथ कि यू नो मुझे उनकी तस्वीर लेनी थी. सर सोनू ने किल बिल बनाई है, पल्प फिक्शन बनाई है. अच्छा. बहुत सारे ऐसे कमाल फिल्में बनाई है. तो फिर सोनू आया, सोनू गाड़ी यू नो गाड़ी में बैठ रहा था, तो मैं दूर से मैं चलाने लगा सोनू सोनू सोनू. तो सोनू ने मुझे देखा और बोला कि हाँ हाँ, और जाके बैठ गया. और जो गाड़ी में बैठा, फिर मैं यहाँ भी यू नो यहाँ से झांकने लगा और बोला सोनू सोनू एक पिक्चर देखा ही नहीं उसने. तो सोना सोनू था, सोनिया नहीं. पर ये इन्होंने सोनू था इसलिए बोल दिया कि मैंने उनको कहा सोनू सोनू सोनू, नहीं तो असली नाम ले तो तीन बार ले नहीं सकते. तब पता चले क्विंटिन टैरेंटिनो तो न्यूयॉर्क पहुंच गए. वो एक्ट्रेस कौन थी जिन्होंने आपको पहचाना ही नहीं? वो एक्ट्रेस थी नैटली पोर्टमैन. हाँ जी, नैटली. नैटली. इसका मोनू रख दो. नैटली पोर्टमैन. वो कहाँ मिली? नैटली पोर्टमैन. वो मैं न्यूयॉर्क के सड़क पे चल रहा था और मैं भाग रहा था. एक्चुअली मुझे बहुत जोर की बाथरूम आ रही थी. तो मैं ऐसे भाग रहा था होटल की तरफ और वो फोन से बात करके ऐसे गुजरी थी. उसकी एक नजर मिली कि मेरे सर ये तो नेटली पोर्टमैन है. तो मैं घूम के भाग के आया. अच्छा. कि मोनू 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 एक फोटो एक फोटो. तो मैंने देखा नहीं कि वो रो रही थी एक्चुअली, क्योंकि मेरी नजर वहां गई नहीं. अच्छा. तो यहाँ थी तो मुझे देखी ऐसे टर्न की गेट लॉस्ट आई से ऐसे टर्न करके चल गई. मेरा दिल पाजी इतनी बुरी तरह टूटा ना. और ऐसे नहीं कि मैं यू नो मैं कुछ कम फैन बन गया है. और अभी भी कल भी अगर वो मुझे कहीं सड़क पे मिल जाए तभी मैं बोलूंगा मोनू मोनू मोनू. ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है. आपके साथ भी बहुत हुआ होगा ऐसा. मेरे सेट पे ही हो जाता है. पिछली बार ऐश्वर्या आई थी तो मैं मिलने गया, मेरे बॉडीगार्ड ने बचाना. आप कहीं किधर चलिए आप यार चला. अच्छा, जैसे यहाँ पे हम लोग टीवी में हॉलीवुड की फिल्में आती ना उसको हिंदी में डब कर देते हैं. मैं सोचता हूँ कभी अगर हॉलीवुड की फिल्में या अपनी फिल्में बॉलीवुड की इंग्लिश में आए तो कितना मजा आएगा. मतलब आप तो कर ही सकते हैं, आप ही कर सकते हैं एक्चुअली, हम तो नहीं कर सकते. मैं कुछ डायलॉग आपको दूंगा, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी उससे. मेरे पास लिखे हुए, मैंने काफी देर से सोचा था. हाँ हाँ, प्लीज. सबसे पहले आपके लिए कुछ कुछ होता है कपिल तुम नहीं समझोगे. Something something happens, Kapil. You won't understand. I am understanding very much. English में भी उतना ही खूबसूरत लगा ना. मुझे लगा था different हो जाएगा. रणबीर आपके लिए है. फूल हूँ गुलाब का, चमेली मत समझना. फूल हूँ गुलाब का, चमेली मत समझना. आशिक हूँ आपका, सहेली मत समझना. Mad I am after roses. अगली लाइन क्या थी? हाँ, फूल हूँ गुलाब का, चमेली मत समझना. Don't think I am करीना कपूर. उन्होंने चमेली फिल्म की. Right, right, logic है. आशिक हूँ आपका, सहेली मत समझना. My name is Ranbir. Don't think I am your friend. क्या बात है. अच्छा रणबीर, फिल्म में तो अनुष्का भी है, उनको आप लेकर नहीं आए साथ? क्या है कि वो शाहरुख सर के साथ यूरोप में शूट कर रही है. अच्छा. एंड जब उन्हें पता चला कि हम कपिल के शो में आ रहे हैं. अच्छा. तो वो शूट छोड़ छाड़ के भाग के आ रही है. उसकी फ्लाइट अभी आ रही होगी. शूट भी है.
शर्मा जी, how are you? Welcome, welcome, welcome back. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया. आप कैसी हैं? अरे वाह, मैं बहुत ही ज्यादा. हेलो एवरीबॉडी. सामान बोरिया बिस्तरा लेके आई हूँ यहाँ पे अपना मतलब जमाने के लिए नहीं, बस सीधे. कहाँ से आ रही सीधे आप? बुडापेस्ट से. यहीं पे लैंड किया है. बुडापेस्ट से कपिल जी. गाना उन्होंने गाया था सिग्नल तोड़ ताड़ के जी. और देख अनुष्का आ गई है सब कुछ छोड़ छाड़. क्या बात है. अच्छा साथ में कुली भैया भी हैं, सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं. भैया बस हो गया. भैया सामान इधर ले जाओ पीछे. पैसे ये वाले घर में रख दो. पैसे कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए. पीछे देंगे. तो कहाँ से आ रहे हैं? बड़ा एक्साइटेड. कहाँ से आई हैं आप? बुडापेस्ट से. ये पिछली बार सोनाक्षी आई थी, वो भी कहती बुडापेस्ट से आई हूँ. वो बुडापेस्ट ही करे जा रहा है, पता ही नहीं है. अनुष्का लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई. सबसे पहले तो आपकी फिल्म सुल्तान 600 करोड़ रुपया कमा के गई. उससे पहले पीके 800 करोड़. करोड़ों में बातें हो रही है. पहले बॉम्बे वेलवेट 20 करोड़. एक्चुअली आपकी फिल्म बहुत खूबसूरत लग रही है और आप सब कमाल लग रहे हैं उसमें. और इसमें कोई शक ही नहीं है, ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है. ऐ दिल है मुश्किल की जो शूटिंग है बड़ी खूबसूरत लोकेशंस पे की गई है. पेरिस भी आपने काफी शूट किया. अच्छा पेरिस इस बात के लिए बड़ा मशहूर है, अगर कोई लड़की पेरिस जाती है तो वो शॉपिंग करती है. तो दोनों लड़कियां तो शॉपिंग करती थी. रणबीर आप मॉल में क्या बैग वैग उठाते थे, क्या करते थे? ये मेरे बैग उठाती थी, इससे ज्यादा तो मैं शॉपिंग करता हूँ. रणबीर बहुत शॉपिंग करता है. अच्छा तो ये एक्चुअली सोनम कपूर है लड़कों का. रणबीर जब आप इतनी खूबसूरत दो एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, कॉम्प्लीमेंट देते हुए भी. हाँ क्या ना, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट देते थे सामने देते थे सबके के अकेले अकेले में मैनेज करना मुश्किल हो जाता था. क्या था कि पाजी कि मैंने बचपन से एक आदत डाल दी थी कि मैं बहुत शाइक किस्म का इंसान हूँ. तो अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट बोलना है कि तो मैं हमेशा ऐसा देखता हूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज. तो कोई जानता नहीं मैं किसको बोल रहा हूँ. आज तो ऐश्वर्या भी सामने है, अनुष्का भी है. मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आपको ईमानदारी से जवाब देना है. ओके. बिकॉज मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और पता भी है कि बहुत ईमानदारी से जवाब देते हैं. हाँ. दोनों में से किसका परफ्यूम आपको ज्यादा अच्छा लगता है, खुशबू? मेरा ये मानना है कि इन दोनों को परफ्यूम की जरूरत नहीं है, परफ्यूम इनसे बनते हैं. अरे क्या बात. लुक एट हिज आंसर. परफ्यूम इनसे बनते हैं. ओह वाह जी वाह. मतलब जब ऐश गर्मी में शूट करती है मैं कटोरी के साथ से देखता हूं कब पसीना आ रहा है. हे भगवान. ये क्रिएटिविटी है. क्या देता हूं मैं इस क्रिएटिविटी की. अच्छा फटाफट मेकअप करके कौन बाहर आ जाता है और कौन ज्यादा टाइम लेता है? मेकअप तो कोई यूज करता नहीं, मैंने तो कभी मेकअप देखा नहीं है इनके चेहरे पे. अच्छा ये तो रियल स्किन है, नेचुरल त्वचा है इनकी, सिल्की. क्या है? गाल सिल्की सिल्की, बाल मिल्की मिल्की. ये तो चलती फिलती वनीला आइसक्रीम है. गाल सिल्की, बाल मिल्की मिल्की. यू सेड गाल सिल्की, यू सेड उल्टा. बाल मिल्की. दोनों में से आपको ज्यादा तंग कौन करती है? तंग? हाँ वो अनुष्का. आपकी कोई विशेष टिप्पणी? बहुत ही अनोइंग है, लाइक इतना अनोइंग है, कांट टेल यू. पता क्या करता है ये? शी इज माय बेस्ट. सो ये इतना इंक्विजिटिव है, इसको कितनी जिज्ञासा है हर चीज. हाँ 1000 तो मतलब सवाल पूछेगा. अगर आपसे आपके कमरे में आ गया ये हर ड्रॉर खोलेगा और देखेगा क्या है, तो आपकी दवाइयां भी देखेगा कि कौन सी दवाइयां खा रहे हो ना. अच्छा दोनों में क्रिकेट कौन ज्यादा पसंद करता है? ये क्या सवाल है? Oh. So one day me and Ash were talking. And she told me how much she loves cricket. अच्छा ऐश्वर्या आप तो मेरे ये लाइन बड़ी सूट नहीं करती आपके कैलिबर को, पर वैसे अगर भी फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी का सवाल है. अच्छा. कि आप तो एक्चुअली 1.5 महीना बिना नहाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, कानों कान खबर ही नहीं होगी, इतनी खूबसूरत है.
ऐश जब पानी छूती है पानी ना लेता है आज तो पॉइंट पे पॉइंट मारे यार रणबीर ने ना आज ब्रेकफास्ट में कोई शायर खा लिया है तो मतलब पानी ना खा लेता है यार ये क्या बड़ी इनोवेटिव बात कही आपने अच्छा अनुष्का किसी भी लड़की का अगर ब्रेकअप होता है तो वो दुख होता है उसको या अपसेट हो जाती है आप फिल्म के ट्रेलर में मैं देख रहा हूँ आपका ब्रेकअप होता है आप नाच रही हैं मतलब उसके पीछे कोई कारण स्पेशल दूसरों को उसके पीछे कारण कारण नहीं You're getting better. रणबीर आज फुल फॉर्म में I think अभी सारे जवाब यही देगा। I तो मैं पीछे हर चीज over the top है six धार। मैं क्या करता हूँ मैं पीछे बैठकर इनकी dubbing कर लेता हूँ। कुछ जवाब बोल। आप question पूछो ही जवाब देगा। तो रणबीर दिखने में बड़ा प्यारा लगता है handsome है अच्छा है actor भी बहुत अच्छा है personal कैसा है ये आदमी? I love him. I love him so much. रणबीर का ये मानना है कि ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ इनका ये कहना है कि मैं बचपन में भी मेरे मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता था कि मैं उदास हूँ या खुश हूँ लेकिन पर्दे पे जब हम आपको देखते हैं आप बड़ी ही बखूबी वो निभाते हैं अपना कोई भी किरदार बड़े मज़ेदार एक्सप्रेशन देते हैं मैं कुछ एक्सप्रेशन आपके लाइव देखना चाहता हूँ और अपनी ऑडियंस को भी दिखाना चाहता हूँ तो आपको एक्सप्रेशंस के थ्रू वो बताना है ओके मैं यहां बीच में आ जाता हूं जी या आई थिंक द कैमरा नो सो दे कैन सी योर एक्सप्रेशंस आप एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ डेट पे गए हैं सडनली आपको रियलाइज होता है कि आपकी जुराबों से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है तो आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे क्योंकि पहले आप ही ने सूंघ लिया वो अच्छा Nice, very nice. nice. कौन nice. कहता है एक्सप्रेसिव नहीं है अच्छा आपको बहुत अर्जेंट वॉशरूम जाना आपकी जिपर टक गई है तो मतलब मैं यही जिप खोलने की कोशिश कर रहा हूँ देख कुर्सी पे बैठ के बाथरूम कौन करता है तो फिर मुझे कैसे पता जिप अटक गई है आप खड़े हो ना आप खड़े हैं अच्छा अभी तो, अटकी हुई है हाँ, यहाँ बाथरूम यहाँ है जस्ट द फेस ज्यादा मत करो बेटा देखिए होल्स होल्स कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन आदमी ज्यादा ज्यादा 3-4 मिनट दे सकता है उसको आदमी कहता चलो अब तो हो गया अच्छा कभी आप सुबह उठे ओके लास्ट मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपको आप सुबह उठे आपने आईना देखा सडनली आपको रियलाइज हुआ कि आप लड़की बन गए क्या करेंगे आप पहला काम मैं आया हूँ मिरर देखा इश तुम्हें कोई हक नहीं इतनी खूबसूरत लगने का सुपर्ब अच्छा देख लो कितना फर्क होता है रणबीर जितने कम एक्सप्रेसिव है ऐसे जो मानते हैं उतने ही ऋषि सर ज्यादा एक्सप्रेसिव है पूरी दुनिया को पता होता है आज वो कौन से मूड में है गुस्से में है मजाक के मूड में है कि एंजॉय के मूड में आई लव हिम आपको कभी बचपन में डांट पड़ी उनसे बहुत ज्यादा क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे लोगों को पड़ती है अच्छा आपके फैंस यहाँ पे सुबह से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है आप फटाफट पूछ सकते हैं जी कौन सबसे पहले पूछ रहा है मेरा सवाल है अनुष्का जी के लिए अरे मुझसे हाय अनुष्का आप इतनी स्वीट हो इवन ऐश्वर्या जी आप भी स्वीट हो ने नाम चेंज कर लिया अनुष्का अनुष्का से अनुष्का कर लिया हुआ और रणबीर आप तो सबसे क्यूट हो अच्छा अब मेरा
तो मेरा सवाल है अनुष्का जी के लिए कि आप शादी क्यों नहीं करते? आप मेरी बेटी जैसी हो तो मैं बोलूंगी आप शादी क्यों नहीं करते हो? बाजू में क्यूट सा बैठा है रणवीर, तो मैं चाहूंगी आप शादी कर लो। Yes. अब बेटी बेटी कहाँ है? और इतना क्यूट सा बाजू में बच्चा बैठा है, तो आप, मैं चाहूंगी कि आप शादी कर लो। प्लीज प्लीज रिप्लाई प्लीज कर लो। आपको क्या लगता है कि आप पांच बार प्लीज बोलोगे मैं कर लूंगी? नहीं नहीं, आप कितने क्यूट लग रहे हो दोनों, कितने स्वीट लग रहे हो। बेटी बोला है, एटलीस्ट हाँ तो बोलो। अगर मैं कल को अनुष्का की मम्मी को बोल दूं मम्मी जी प्लीज आपको मम्मी बोला है, तो मेरी शादी थोड़ी ना कर देंगी? नहीं नहीं, अभी मैंने बोला ना बेटी, तो चाहती हूँ इतना स्वीट लड़का बाजू में बैठा है क्यूट सा, तो मैं चाहती हूँ। और आप कितने एक तो मैं किसी दूसरे मोहल्ले में बैठा हूँ मैम, मेरा भी तो नाम ले सकती हैं। आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो सुपर डुपर हो, बट आप नकली मम्मी हो मम्मी। नहीं मैं रियल मम्मी हूँ। रियली? यस। मतलब सो और अगर बेटी बोला है तो मेरा हक बनता है हक करने का आपको। हाँ हाँ, सो यू विल प्लीज गिव मी यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। हम दोनों को हक करने का, कैन आई कम देयर? आई थॉट वी हैव टू हग। सो कैन आई डू द ऑनर? जी मैम प्लीज। थैंक यू। अच्छा सब सवाल पूछ रहे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस फिल्म में कौन किसके साथ प्यार कर रहा है, कौन ज्यादा मुश्किल में है, थोड़ा आइडिया तो लग जाए थोड़ा। एक्चुअली ये तो सच्ची में देखने के लिए ना आप लोगों को फिल्म देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये थोड़ा सा उसी का मजा है पिक्चर में, हो क्या रहा है, एक रोमांटिक सस्पेंस है। तो आपको आके थिएटर्स में पता चलेगा। यू सी इट्स 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 लव स्टोरी विद राम से ब्रदर ट्विस्ट। अच्छा करण विल किल यू। तो कहिए कपिल, डॉक्टर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे इस बार? डॉक्टर साहब? हाँ, पिछली बार तो यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे थे, उन्होंने तो पूरा शो बना दिया था, माहौल बना पड़ा उनको। नाराज है शायद, डरे हुए, मैं भी पता नहीं, आए नहीं आज सुबह से देखा मैंने। डरे हुए क्यों? पता नहीं, किसी ने मेरे को बताया फ्रिज में छुपे हुए डर के मारे, पता नहीं, आई डोंट नो। डर के मारे? हाँ। अनुष्का इसको गरम काम चलो, हाँ आप जाएंगे तो आ ही जाएंगे। तो पाजी व्हाट ए मुश्किल डे, पता नहीं फ्रिज में ये कुल्फियां और आइसक्रीम में कैसे रह जाती है, मेरे से तो एक घंटा नहीं रुका गया मैम। बहुत ही हाय रणबीर जी, इधर बैठिए, बैठ कर आराम से बात करिए आप, डॉक्टर हैं आप यार। ऐसे कौन आराम कराता है भाई? डॉक्टर मिश्र गुलाटे, सीसीपीआरएच, छुपता छुपाता फिर रहा हूँ। सीसीपीआरएच इतना नहीं समझ में आता तुमको? डॉक्टर साहब यहाँ है? हाँ, हम आपको ढूंढते हुए गए थे और आप यहाँ बैठे हैं रणवीर के साथ। हुँ? आपके साथ आप, मेरे को जरूरी काम याद है, मैं आया एक सेकंड। डॉक्टर साहब हाँ जी, ऐश्वर्या नहीं आप हेलो नहीं बोल रहे? ओ सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको, नमस्ते सॉरी। आपने मुझे नहीं पहचाना? मजबूरी में ऐसा पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको, हालांकि मैं आप ही को पहचानना चाह रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है। जिंदगी का जुआ आसान नहीं है दोस्त। डॉक्टर साहब हाँ जी, क्या कर रहे हो, अपनों को कोई ऐसे इग्नोर करता है क्या? आपकी तो अपनी है ना, आप तो अपने हैं। हम तो आपके अपने अपने अपने।
डॉक्टर साहब एक बात सुनो, आपका दिमाग खराब हो गया, अब लड़कों के साथ भी ये सब करना शुरू कर दिया आपने। मैं तो उन्हीं के साथ करना चाहता था यार, कितने मेरी मजबूरी फंसी हुई है। ये क्या मजबूरी? उनको मारा था ना अभिषेक भाई ने आके, तो थोड़ा डर गए मुझे लगता है। मेरी ना हड्डियां तोड़ देते कोई बात नहीं, मेरा दिल तोड़ा। इन्होंने पिछले एपिसोड में अभिषेक की वाइफ को छेड़ा। और अगली बार ऐश्वर्या आए तो ये याद रखना आप। हाँ, कौन कौन ऐश्वर्या कौन है? अभिषेक भैया ने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मेरे पर कचरा फेंक दिया, कचरा कर दिया मेरा। एक्चुअली गलत किया उन्होंने, आपको कचरे में फेंकना चाहिए था। यहाँ आइए डॉक्टर साहब, बीच में, बीच में। मेरे को मारना नहीं प्लीज। नहीं चलिए, चलिए यही कर देते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपके ऊपर ऐश्वर्या ने फूल डाले, मैं तो कहता हूँ अच्छा सा हार्ट अटैक लेके मर जाओ। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जी, टीवी पे आएगा ना प्रोग्राम, में उन्होंने फिर गुस्सा करना है भैया ने, तो आप उनको एक बार फोन करके कह दो ना, क्या फर्क पड़ता है। यही पर कह देती हूँ। फोन फोन, हाँ जी, अच्छा हाँ, यहाँ लोकल साहब यूं ही मस्ती कर रहे थे बस, मतलब आप और आप भी मैं जानती हूँ इनके साथ मस्ती ही कर रहे थे। ही इज अ क्यूट गाय, ही सच अ क्यूट गाय। डॉक्टर साहब आपको क्यूट बोला। सिद्धू साहब मेरे को क्यूट बोला इन्होंने। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपका वॉश बेसिन यूज कर लूं, एक मिनट बस, एक मिनट है जी। वॉश बेसिन
We got hearts, we got hearts. Woohoo! इनमें से एक मेरा भी है. अच्छा, चैनल को भी पता होता कब खर्चा करना है. और एक बार जोरदार तालियां रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय के लिए. आप सच्ची में जब आती हैं तो चांद उतर आता है हमारे शो पे. सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू. आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए. और पाजी, मजा, क्योंकि रणबीर बहुत ज्यादा फॉर्म में है तो ऐश्वर्या तो आज उनका करवा चौथ है तो उनको जाना पड़ेगा. आपका तो कोई है नहीं करवा चौथ अभी. हाँ, ये हमारे साथ बने रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए. और इस दिवाली आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि इस दिवाली पे हम लोग ज्यादा गंद नहीं मचाएंगे. और क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे जब हम लोग देखते हैं कि पटाखे पटाखे सड़कों में फैले होते हैं, प्लीज इस बार सफाई का जरूर ध्यान रखें. मिलजुल के हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएं. और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. For more updates, subscribe to our channel.